डीआरडीओ सेप्टम 9 टेक्नीशियन ए इलेक्ट्रीशियन और आप देख रहे हैं टेक्निकल प्रिपरेशन। मैं हूं अमन सर। मैंने लास्ट टाइम में सेल एंड बैटरी बताया था और आज हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिज्म के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसने मैग्नेटिज्म नहीं पढ़ा उसको कभी भी जो है इलेक्ट्रिकल मशीन्स ठीक से समझ में नहीं आएगी, क्योंकि सारा खेल होता है अपना ये मैग्नेट का ही, कि मैग्नेट कैसे कैसे बन रहा है, कैसे कैसे रोटेटिंग फ्लक्स बन रहा है, कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स बन रहा है। तो वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, देखते रहिए और समझते रहिए। साथ साथ में जो भी प्रॉब्लम है उसको कमेंट कर लेंगे, जिसकी भी PDF रिक्वायरमेंट है वो मेरे से PDF ले लेगा, तो इसको हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिज्म के बारे में। क्या होता है मैग्नेटिज्म? मैग्नेटिज्म को हिंदी में बोलते हैं चुंबक, इसको हम मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट के नाम से भी चैप्टर का नाम देख लेते हैं, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट होता है वो जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। मैग्नेट आर दोज हू अट्रैक्ट द मैग्नेटिक मटेरियल, बस इतना ही याद रखना है, ज़्यादा नहीं याद रखना है। मैग्नेट की एक कहानी है, वो आपको मैं चैप्टर वाली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि दो तरह के मैग्नेट होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल, प्राकृतिक और बनावटी। यहाँ पर जो नेचुरल मैग्नेट होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है निम्न में से प्राकृतिक चुंबक है, निम्न में से प्राकृतिक चुंबक है, जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो मैं उसमें आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको एक वर्ड याद रखना है, लोड स्टोन। ये काला पत्थर होता है जो हमारा जो अर्थक्रस्ट से प्राप्त होता है, सबसे पहले मैग्नीशिया नामक देश से पाया गया था। तो आगे डिस्कस करते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल होता है बनावटी। अब हमें काला पत्थर मिल गया, अब हम इसे तोड़ के फोड़ के आकृति में कैसे भी डिजाइन करेंगे तो उस पे ये डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर भी दो कैटेगरी होती है, एक होती है टेम्प्ररी और एक होती है परमानेंट। एक होती है टेम्प्ररी, एक होती है परमानेंट। टेम्प्ररी मैग्नेट आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक, जो हम डिस्कस करने वाले हैं और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कंटिन्यू आप बने रहें और वीडियो को पूरा एंड तक देखें, क्योंकि मैग्नेट छूट गया तो इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं आएगा और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इसमें से बनते हैं, तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था टेम्प्ररी और परमानेंट के बारे में। एक क्वेश्चन यहाँ भी डिजाइन होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट एक प्रकार का चुंबक है, तो इसमें क्या है, टेम्प्ररी मैग्नेट आ जाएगा। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या होता है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट वो होते हैं जिनकी चुंबकीय शक्ति फिक्स होती है, जिनको हम बदल नहीं सकते, जिसमें बदलाव नहीं कर सकते, तो उसकी चुंबकीय शक्ति निर्धारित होती है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं। तो पहले समझ लेते हैं प्राकृतिक चुंबक क्या है। तो यहाँ पर जो प्राकृतिक चुंबक है उसकी कुछ आकृतियाँ होती है, उसके कुछ प्रकार होते हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हिस्सा भी है, तो उसको हम देखेंगे। रिंग मैग्नेट की सबसे पहले बात करते हैं। रिंग मैग्नेट, रिंग की अपने नाम से ही तो बता रहा है ना कि हाँ मैं रिंग के आकार का हूँ, परेशान होने वाली क्या बात है। उसके बाद हम बात करते हैं सिलेंड्रिकल मैग्नेट। सिलेंड्रिकल मैग्नेट कैसा होता है, बेलनाकार का होता है, इसमें भी दो पोल होते हैं नॉर्थ और साउथ। समझने वाली बात यहाँ पर है कि देयर इज नो पोल इनसाइड द रिंग मैग्नेट, भाई एक रेडियस है या वृत्ताकार है आपके पास। मैं कह दूं कि आप चलना शुरू करो और कहाँ पहुँच गए और कितनी दूर तक आ गए ये बता दो। क्या मैंने आपको दूरी बताई थी कि आपने कहाँ से चलना स्टार्ट किया? नहीं ना, जहाँ जा रहे हैं वहाँ से फिर वापस पहुँच जा रहे हैं। इसमें पोल्स का कैसे पता चलेगा? तो रिंग मैग्नेट में पोल्स नहीं होते हैं, ये याद रखना है। सिलेंड्रिकल मैग्नेट नॉर्थ साउथ बेलनाकार का होता है। उसके बाद बार मैग्नेट, छड़ चुंबक, जिसकी हम बार बार अभी चर्चा करेंगे, जिसमें से एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस का डिस्कशन होगा। तो आगे चलते हैं यू शेप्ड मैग्नेट। ये यू आकृति का होता है, जिसे हॉर्सशू मैग्नेट भी कहते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये जो मैग्नेट है, इस शेप के जो मैग्नेट है, PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल, यानी कि DC के मापन यंत्र में प्रयोग किया जाता है। दोबारा से सुनेंगे, DC के मापन यंत्र में प्रयोग किया जाता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आएगा MC टाइप और MI टाइप। तो यहाँ पर फिर हम आगे चलते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की, तो ये अपने वर्ड से क्लियर कर रहा है कि भाई इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेट, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेट मीन्स वही चुंबक। समझ में आ रहा है ना, डायग्राम बना हुआ है आपके सामने, नहीं बना हुआ तो क्लियर कर लेंगे उसको। यहाँ पर देख रहे हैं कि आप वही फ्लक्स बन रहा है जैसे कि बाकी चुंबक्स में भी बनता है। इसकी नॉर्थ साउथ कैसे डिफाइन करते हैं ये भी आगे आएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट होता है जिसकी जो चुंबकीय शक्ति होती है वो दी जाने वाली धारा पर निर्भर करती है। जिसकी जो चुंबकीय शक्ति होती है वो दी जाने वाली धारा पर निर्भर करती है।
इलेक्ट्रोमैग्नेट में चुंबकीय शक्ति दी जाने वाली धारा पर निर्भर करती है। आई समान अनुपाती फाई, ये बार बार परेशान करेगा डीसी मशीन में, एसी मशीन में, क्योंकि यहाँ पे करंट का ही रोल है और जितने भी मशीन है उन सब में इलेक्ट्रोमैग्नेट ही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख के चलना है। तो यहाँ पर एक मेन चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज नॉट फिक्स्ड, इट इज़ ओनली डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ करंट प्रोवाइडेड, यानी इसकी जो चुंबकीय क्षमता है, स्ट्रेंथ है, वो फिक्स नहीं है। ये निर्भर करती है उसमें दी जाने वाली धारा पर। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ पूछा जाता है कई बार, तो विद्युत घंटी बजाते हैं ना, बैल, विद्युत घंटी में प्रयोग होता है, क्रेन में भी प्रयोग होता है भारी लोहे के पदार्थ को उठाने के लिए, क्रेन में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं जैसे कि मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, सब जगह यही मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी ये नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा, ये नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा। इसको नोट करेंगे और आगे चलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैग्नेट और बहुत ही मज़ा आ रहा है, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर इसको नोट करेंगे, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट में कुछ वर्ड्स लिखे हुए दिख रहे हैं जिसको आप नोट कर लेंगे, जिसमें बताया हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है एक टेम्प्रेरी मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इसकी फिक्स नहीं होती है जो कि धारा की मात्रा पर निर्भर करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में पोल्स को बदला जा सकता है। सबसे बड़ी बात है भाई, जो परमानेंट मैग्नेट है उसके पोल्स को आप बदल नहीं सकते, लेकिन जैसा कि इस पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ धारा की मात्रा पर निर्भर करता है, उसी प्रकार से हम यदि पोलैरिटी में बदलाव कर दें, जैसे कि आपको दो फिगर दिख रहे हैं, यहाँ पर जहाँ से पॉजिटिव जा रहा था वहाँ पे एन बन रहा था, फिर उस पोलैरिटी को हमने चेंज कर दिया तो उसी स्थान पर एस बन गया। ये कहाँ काम आएगा? जब डी ओ आर को चेंज करना होगा, या फिर मैग्नेटिक फील्ड को, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना होगा, या फिर मशीन्स में डायरेक्शंस की बात आएगी तो वहाँ पर हम मैग्नेटिक की डायरेक्शंस को चेंज करके वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी आप एक बार नोट करेंगे, फिर आगे देखते हैं कि क्या और इंटरेस्टिंग है पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर बात करते हैं कि चुंबक बनाने की विधि, पदार्थ को चुंबक पदार्थ वही बनेगा जो चुंबकीय पदार्थ होगा। अभी आगे चर्चा में आएगा कि चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि पदार्थ को चुंबक बनाने की, तो मैं आपको बता दूँ कि विधि 2 से 3 होती है, लेकिन जो परीक्षा में पूछी जाती है वो होती है इंडक्शन मैथड। जब इंडक्शन मैथड से पदार्थ को चुंबक बनाया जाता है तो क्या करते हैं कि ये बॉबिन दिख रहा है आपको और ये छड़ दिख रही है, बार मैग्नेट, बॉबिन पे कॉइल लपेटी हुई है जिसको हम सप्लाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये बॉबिन रखी हुई है, जब इसको सप्लाई देंगे उसमें बनेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट जब बनेगा तो वो जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ से क्रॉस होगी बार मैग्नेट के द्वारा, जो कि जिसके अंदर चुंबकीय गुण आ जाएगा। ये जो छड़ बॉबिन के अंदर रखा हुआ है, इस छड़ में इससे चुंबकीय लाइन्स क्रॉस होंगी और इस छड़ की जितनी क्षमता होगी ये उतनी क्षमता के अनुसार चुंबकीय लाइन को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है, आएगा जब हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगी, जब हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस देख लेंगे तो उससे हमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है, कौन सी मैटर को ये बताना चाह रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि इंडक्शन मेथड से जब चुंबक को बनाया जाता है तो उसमें कौन से सप्लाई का प्रयोग करते हैं। व्हेन मटेरियल टू बी मैग्नेटाइज बाय यूजिंग इंडक्शन मेथड, व्हिच सप्लाई इज यूज्ड, कौन सी सप्लाई का यूज होता है, तो वो है डीसी सप्लाई। इसको जल्दी से नोट करेंगे और आगे चलते हैं। बात करते हैं मैग्नेटिक टर्म्स की, मैग्नेटिक टर्म्स क्या होते हैं, चुंबकीय संबंधित परिभाषाओं की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसको समझने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पोल्स की, पोल्स को हिंदी में कहा जाता है ध्रुव। ध्रुव इसके चुंबक के 2 होते हैं, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए कि नॉर्थ और पोल 2 तरह के इसके चुंबक के ध्रुव होते हैं। अच्छा, इसको पता लगाने का क्या तरीका होता है, किसी भी चुंबक में यदि नॉर्थ साउथ नहीं लिखा हुआ है तो उसको स्वतंत्र धागे से बांधकर लटका देंगे। जब हम उसको लटका देंगे तो वो जिस दिशा में
नॉर्थ की दिशा में जौन सा हिस्सा रुकेगा वो होगा आपका साउथ, और जो साउथ की दिशा में रुकेगा वो होगा आपका नॉर्थ। ये क्यों होता है ये आपको मैं जब चुंबक की गतिविधि बताऊंगा तो वो चीज़ आपको पता लगेगी। अच्छा, अगले टर्म की बात करते हैं, एक्सिस, चुंबकीय अक्ष। ये क्या होती है? ये वो रेखा होती है जो नॉर्थ से साउथ को जोड़ती है, ये वो रेखा होती है जो नॉर्थ से साउथ को जोड़ती है, यानी कि चुंबकीय अक्ष जो है यही होता है। उसके बाद हम बात करते हैं एमएनए की। एमएनए और जीएनए दो एक जैसे टर्म है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको समझना जरूरी है। कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है या ये क्वेश्चन बन जाता है कि भाई कहां पर चुंबक के जो शक्ति है वो शून्य होगी। तो मैं आपको बता दूं कि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस एमएनए को कहा जाता है। यहां पर आपको चित्र में दिख रहा होगा कि ये एमएनए क्या है। चुंबकीय अक्ष एन और एस को जो जोड़ती है वो एक्सिस होती है। एक्सिस पर 90 डिग्री कोण पर जो रेखा बनी है, एक्सिस पर 90 डिग्री कोण पर जो सीधी रेखा बनी है, यानी परपेंडिकुलर लाइन फॉर्म ऑन मैग्नेटिक एक्सिस विच मेक्स 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। इसको न्यूट्रल एक्सिस का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय शक्ति जो है शून्य होती है। अच्छा, हम बात करते हैं अब जीएनए की। जीएनए क्या होता है? ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस ये क्या होता है? हमारा जो अर्थ है, यानी जो हमारी जो पृथ्वी है, उसके इक्वेटर पर चुंबकीय व्यवहार की तरह उसे नोट किया जाता है कि ये चुंबक की तरह व्यवहार करती है। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान रखें कि ये जो सिद्धांत बताया था, ये बताया था डॉक्टर गिलिबर्ट ने कि हमारी जो अर्थ सरफेस है वो भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। सोचो, यदि हमारे अर्थ में चुंबक नहीं होता तो हम जो ये बार मैग्नेट को लटका रहे हैं स्वतंत्र रूप से, ये नॉर्थ और साउथ में क्यों रुक रही है? क्या मतलब है? मतलब ही नहीं बनता। हमें पता है कि चुंबक की गतिविधि अट्रैक्शन और रिपल्सन की होती है। विभिन्न प्रकार के जो पोल होते हैं, जो असमान पोल होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं, और जो समान पोल होते हैं वो आपस में रिपल्सन होते हैं। आपको मैं चित्र के द्वारा बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। मैंने बताया इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज का, तो इसको नोट करेंगे जल्दी से। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, हमारे अर्थ का जो जीएनए है वो होता है फिक्स, लेकिन चुंबक को हम जिस भी दिशा में शिफ्ट करेंगे उसका एमएनए उस हिसाब से शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि चुंबकीय एक्सिस बदल जाएगी और उस पे हमेशा जो है एमएनए जो है वो तो परपेंडिकुलर ही होगा। तो ये चीज़ आपको नोट करना है, एमएनए विल रिमेन्स फिक्स्ड ऑलवेज एंड जीएनए विल रिमेन फिक्स्ड ऑलवेज एंड एमएनए कैन बी शिफ्ट एज वी रिक्वायर। जैसे अभी हमें जरूरत है हम एमएनए को शिफ्ट कर लेते हैं, लेकिन जो जीएनए है वो क्या है? वो अर्थ सरफेस का है, वो हमेशा फिक्स रहेगा। एक बार इसको नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की। क्या होता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स? इसे हिंदी में कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि ये समझ में नहीं आया तो पता नहीं चलेगा कि चुंबकीय बल जो है काम कैसे करता है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होता है। मतलब टोटली जो हमारा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है या मैग्नेटाइजिंग एबिलिटी है वो डिपेंड करती है इसी पे, और इसी से हम मैग्नेटिक मटेरियल को भी समझते हैं कि वो कितनी रिटेंटिविटी रखती है, मतलब कितनी धारण शक्ति रखती है या कैसे वो मैग्नेटाइज हो पाता है। तो यहाँ पर हम समझते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की कुछ अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। पहली बात, ये रेखाएं कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटती, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दूसरी बात, दीज लाइन्स आर ऑलवेज पैरेलल, ये हमेशा समांतर रेखाएं होती है, इनके बीच की जो दूरी होती है वो समांतर होती है। आपको चित्र में दिखाई देगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगली बात करते हैं, इसकी महत्वपूर्ण बात क्या है? अगली महत्वपूर्ण बात ये है कि ये सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है, फॉलो द सर्कुलर पाथ। अच्छा, एक चीज और, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कंप्लीट द सर्किट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक सर्किट और क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड परिपथ या क्लोज्ड लूप मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के द्वारा पूर्ण होने वाला परिपथ कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है, वेयर इट टू ट्रेवल द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साइड। अच्छा, यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान रखने की होती हैं। नंबर एक, चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की तरफ, चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ को जाती है, और चुंबकीय बल रेखाएं अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है,
चाहे आपका जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ये नहीं कि ऊपर से ट्रेवल कर रहा है तो इसको नॉर्थ से साउथ भेज दो, और नीचे की साइड से ट्रेवल कर रहा है तो इसे साउथ से नॉर्थ भेज दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो हमेशा ध्यान रखना है कि बाहरी परिपथ में जब भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ट्रेवल करेंगे तो वो नॉर्थ से साउथ की तरफ ही करेंगे और अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ की तरफ करेंगे। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट कैप्चर करेंगे या फिर इसको फटाफट नोट कर लेंगे, फिर चलते हैं आगे इंपॉर्टेंट सेशंस में, देखेंगे क्या और इंटरेस्टिंग आने वाला है इसमें, तो इसको नोट करेंगे फटाफट। अब यहाँ पर बात करता हूँ मैं परमेबिलिटी की। परमेबिलिटी क्या होता है? परमेबिलिटी एक तरह का परमिशन है। जैसे ही चुंबकीय बल रेखाएं जो पास कर दिए किसी पदार्थ के द्वारा, यहाँ पर आपको चित्र में दिख रहा होगा कि ये जो हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दिख रहा है, ये जो पहला वाला डायग्राम जो हमें दिख रहा है यहाँ पर ये बता रखा है कि ये लाइंस ऑफ फोर्स जा रही है, लाइंस ऑफ फोर्स जो जा रही है, ये लाइंस ऑफ फोर्स जा रही है पदार्थ के द्वारा। तो यहाँ पर ये जो पदार्थ है, चुंबकीय पदार्थ है, वो कितनी बल रेखाएं अपने अंदर से आसानी से गुजरने देता है, ये कहलाती है परमेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि परमेबिलिटी को दर्शाया जाता है म्यू से, जो कि इसके बगल में बना हुआ है चिन्ह, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो परमेबिलिटी होता है इसकी कोई इकाई नहीं होती है। उसके बाद अगले टर्म की बात करते हैं, रिटेंटिविटी की। रिटेंटिविटी का मतलब होता है धारण शक्ति। धारण शक्ति का क्या मतलब है? कोई भी चुंबकीय पदार्थ है, सबकी अलग अलग अपनी क्षमता है, तो वो कितना चुंबक बन सकता है, कितना चुंबक बन सकता है, ये निर्भर करता है उसकी रिटेंटिविटी पर, यानी कि उसकी धारण शक्ति पर। तो यहाँ पर अगला टर्म है मैग्नेटिक रिलक्टेंस, यानी कि फाई एम। मैग्नेटिक रिलक्टेंस का मतलब है कि चुंबकीय प्रतिरोध। चुंबकीय प्रतिरोध उसी प्रकार से जैसा कि विद्युत के मार्ग में रेजिस्टेंस होता है, यहाँ भी कुछ रुकावटें हैं। ये जो हमारा चुंबकीय प्रतिरोध है ये बताना चाह रहा है, इसको हम फाई एम से प्रदर्शित करते हैं, और इसकी ऐसा यूनिट भी लिखी हुई है, उसको हम ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो चुंबकीय प्रतिरोध होता है, चुंबकीय मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाला, इसको हम फाई एम से प्रदर्शित करते हैं। जिस प्रकार करंट परिपथ में यानी विद्युत सर्किट में धारा बराबर आई होता है, उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि फाई होता है, चुंबकीय फ्लक्स यानी कि फाई होता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चुंबकीय फ्लक्स लिखा हुआ है इसे वेबर में नापा जाता है। ये भी एक चुंबकीय बल रेखाओं का कुछ परीक्षण होता है जिसे हमने दर्शाया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम आर एम यानी आर एम को हम लिखते हैं, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं चुंबकीय प्रतिरोध की, जिसको आर एम से प्रदर्शित किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला है वो होता है एम एम एफ बटे में फाई। एम एम एफ क्या होता है भाई? एम एम एफ होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स, चुंबकीय वाहक बल। ये डिपेंड करता है कि जितनी टर्नों की संख्या होगी और उसमें दी जाने वाली धारा होगी, उतना ही चुंबकीय बल उसमें से बन पाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, एम एम एफ किसे कहते हैं और एम एम एफ की इकाई क्या होती है। तो मैं आपको बता दूँ, करंट की इकाई होती है एम्पेयर और नंबर ऑफ टर्न को हम टी लिख देते हैं, तो एम एम एफ को हम कह सकते हैं एम्पेयर गुना में टर्न। मैग्नेटिक रिलक्टेंस जो कई बार पूछा जाता है प्रत्येक परीक्षाओं में, तो यहाँ पर आर एम बराबर होता है एम एम एफ बटे में फाई, जिसे हम लिख देते हैं, एम एम एफ की इकाई होती है एम्पेयर टर्न और फाई की इकाई होती है वेबर, तो आर एम बराबर हो जाएगा एम्पेयर टर्न प्रति वेबर। इसको जल्दी से नोट करेंगे और आगे चलते हैं फटाफट, देखेंगे और क्या है आगे। और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये संबंधित है परीक्षाओं में निर्भर करने वाले क्वेश्चंस पे, तो इस पर ध्यान ही नहीं करना है, इसको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। जो भी समझ में नहीं आएगा वो कमेंट कर देना है या पूछ लेना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैग्नेटिक पोल्स के इंटरेक्शंस की बात करते हैं। इंटरेक्शन यानी कि गतिविधि। जब दो समान और विपरीत पोल को आमने सामने लाया जाता है तो क्या होगा? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अच्छा, ये जो है एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है, ये पोल्स की बात कर रहा है, कंडक्टर की भी बात करेगा, वो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, लेकिन यहाँ पर हम ध्यान दे लेते हैं। जब हमने दो असमान पोल को या समान पोल को आमने सामने रखा तो क्या हुआ? ये आपके सामने लिखा हुआ है, सेम पोल और अपोजिट पोल। सेम पोल में होगा प्रतिकर्षण यानी कि रिपल्सन, और अपोजिट पोल में होगा अट्रैक्शन। ये क्यों हुआ ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो चुंबकीय बल रेखा है, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ की जाती है। यहाँ पर मैंने ये रख दिया। अब यहाँ पर साउथ साउथ हो गए पोल,
बल रेखाएं तो हमेशा नॉर्थ से साउथ ही जाएगी ना, दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, नॉर्थ से साउथ ही जाएगी ना। तो ये जो नॉर्थ से साउथ जाएगी, प्रॉपर्टी में क्या बताया गया था कि ये जो है ये कभी भी आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है, तो ये आपस में काट कैसे देगी, ये तो इसको धक्का देगी, क्योंकि इसको अपना पाथ पूरा करना है और इसको अपना पाथ पूरा करना है, और जाएगी नॉर्थ से साउथ ही, तो ये क्या होगा, आपस में एक बल बनेगा जिसे बोलते हैं फोर्सेस ऑफ रिपल्सन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, रिपल्सन का मतलब होता है प्रतिकर्षण, दूर भागना। और यहाँ पर जब हमने विपरीत पोल को, व्हेन टू अपोजिट पोल्स आर ईच अदर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, तो क्या हुआ देखेंगे हम, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, अरे यार यहाँ भी तो नॉर्थ से साउथ है, तो ये क्या करेगी, ये छोटे रास्ते में अपनी बल रेखाएं बना लेगी, यानी कि आमने सामने आ जाएगी। इससे क्या होगा, आकर्षण, इससे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। मैंने बताया था रिक्वायर्ड शॉर्ट पाथ, उसको छोटे रास्ते की जरूरत है, इतना बड़ा घूम के जाने की क्या जरूरत है, जाना तो नॉर्थ से साउथ ही है। एक यही कारण है कि असमान पोल में जो है आकर्षण होता है और समान पोल में प्रतिकर्षण यानी कि रिपल्सन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में देंगे, इसको नोट करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़ लेंगे और जो भी परेशानी आएगी उसको कमेंट कर देंगे, जिनको पीडीएफ चाहिए वो कमेंट कर देंगे और बने रहेंगे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।